फरमाया इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुना अल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तूअदून। फरमाया कबर दे अंदर तेनू किसी ने कम नहीं आना, लेकिन रब दे कुरान नू सुनन वाले आ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला। किबला अलामा मौलाना कमरान अब्दाली साहब मेरे अक्सर रफीके सफर रहते हैं और वो ये सूरत हमेशा सुनते हैं, आप भी सुन लें जरा मोहब्बत से, अल्लाह के कुरान को सुना करें, यही नूर है दुनिया आखरत का। कह दे जरा प्यार से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा कुरान पे बोला करें, क्योंकि ऐसी सुन्नी लोग शेरां ते खुश रहने हैं, कुरान सुन की भी खुश होया करो ताकि कोई एतराज ना करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वलसौफ़ युतीका रब्बुका फ़तर्ज़ा يتيماً فآوى ووجدك ضالاً فهدى ووجدك عائلاً فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। जेड़े नहीं बोले हो तो आड़ी नजर एक कुरियान ओए बोलो सुभान अल्लाह। ते चंगा नहीं बोल पो आए हाय आ कमली वाले आ फिर मैं कमली वाले दिया गुलामा फिर मैं क्यों ना खां एक कुरियान नूरानी शीशा ते जेड़ा रब दे राज बतावे जेड़ा पढ़के यारो अमल कमावे ते सदा जन्नत जावे। कुश्ता इश्के मुस्तफा बोले नहीं होना सैयदी आला हजरत बोलिया करो सुनियो तुहाडे इमाम ने सुनियो तुहाडे अपने इमाम नी इज्जत करिया करो अपने इमाम नी कदर करिया करो। सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आखरी वक्त करीब आया ते जेड़ा रब दा वली होना जेड़ा रब दे करीब होना वे अल्लाह दी अता नाल ते कमली आले दी निगाह रहमत नाल पता लगवे ना जिंदगी दा खात्मा होण वाला वे। मेरे वीरा सैयदी आला हजरत मेरे वीरा अपने मुक्तदियां नू बुलाया तवजो अपने मुरीदा नू बुलाया शागिरदा नू बुलाया ते आखण लगे जदों मेरा रूह निकल जाए जदों मेरा रूह निकल जाए
मेरी कबर जदों तैयार करो, मेरी लहद मेरी सामी नू जरा डूंगा रखना। किबला उलमा बैठे ने, मशायख बैठे ने, पीरा ने उजाम बैठे ने। इस इलाके दी बड़ी खूबसूरत शख्सियत, मेरे अवीरा, रूहानी शख्सियत, इल्मी शख्सियत, अदबी शख्सियत, हजरत अलामा पीर सैयद तसव्वर हुसैन शाह साहब, आप भी जलवा अफरोज ने। बड़ी जिम्मेदारी नाल अर्ज पिया करना वा। सैयद आला हजरत ने फरमाया, मेरी जड़ी सामी है, मेरी लहद नू डूंगा रखियो। शागिरदा ने आखिया, किबला पीर साहब, किबला उस्तादी उल मुकर्रम, की पे कहने हो, की पे कहने हो? फरमाया, चुप हो जाओ, मैं जानना वा जिथे कोई कम नहीं आना, उथे हसनैन दा नाना कम आना है। ओए जिथे कोई कम नहीं आना, उथे हसनैन दा नाना कम आना वे। ओए जिथे कबर दे अंदर कोई भी नहीं आना। मेरे अवीरा, ए कोई कहानी ना पिया सुनाना, हजूर दी हदीस पिया पढ़ना वा। अल्लाह दा कुरान पढ़ के वेखो, ते नबी दी हदीस पढ़ के वेखो। जिथे कोई नहीं आना, सैयदी आला हजरत कुश्ता है इश्के मुस्तफा। इमाम अहमद रजा खां बरेलवी फरमांदे ने, ओ जिथे कोई नहीं आंदा, उथे आमना दा लाल आना वे, हसनैन दा नाना आना वे। नबियां दा सरदार है, आमना दा लाल है, उम्मत दा गमखार है। ओए जिथे कोई नहीं आना, उथे ओ नबी आना वे, जेड़ा दुश्मनां दियां पैरां तले अपनी कमली बिछा देना वे। आए हाए, जेड़ा पत्थर जेड़ा पत्थर मारन वालियां नू असी तां बदले लैने आं, असी तां दिल दे अंदर गल रख लैने आं। असी कहने आं, मौका लगेगा ते तुदा पुत्र बनावांगे। लेकिन सुन, उस नबी दा तू कलमा पढ़ना वे, उस नबी दा तू गुलाम है। जिस नबी नू पत्थर मारन वालिया ने पत्थर मारे, लेकिन उस नबी ने बद्दुआ नहीं कीती, बल्कि उन्होंने भी माफ फरमा दिता है, उन्होंने भी माफ फरमा दिता। दुश्मन आया ते पैरां तले कमली विछा दिती। सैयदी आला हजरत ने फरमाया, ओए लोगों, जिथे कोई नहीं आवेगा, उथे आमना दा लाल आवेगा। कबर में सरकार आए, अकीदा बना के जाएं, कबर में किसने आना है सब बोलें, ताकि आपको इस्तकामत के साथ पहचाने मुस्तफा नसीब हो। जितनी मोहब्बत और इश्क होगा कब्र के अंदर रसूलुल्लाह का, उतना ही आपको कुर्ब नसीब होगा। सैयद आला हजरत फरमाते ने, कब्र में सरकार आए तो मैं उनके कदमों में गिरूं, कर फरिश्ते मुझको उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, ऐ फरिश्तों क्यों उठूं इस पाए नाज से, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। ते सैयदी आला हजरत फरमांदे ने, जे पहचान नसीब हो वंजे कबर दे अंदर, फरिश्ते पुछण दस कौन है, पहचान नसीब हो वंजे ते असी कह देवा, सबसे आला हो सारे बोलो, सबसे आला हो भी सबसे बाला हो, बस बस तकरीर खत्म हो गई है, दुआ करने हैं, मिल के पढ़ो, सबसे आला। हाँ कौन दे, हाय हाय, कौन दे ता है दे,
ਕੋਮੋ ਕੌਣ ਦੇ ਤਾਖੇ ਦੇਨੇ ਕੋਮੋ ਚਾਹੀਏ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ आजी नासर में मून नक्शबंदी साहब क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डो बे ना डो ना एक मरतबा हाथ बुलंद करके अपने नबी की बरगाह में हाजिरी लगा दें ताकि जारा का बाबा राजी हो जाए। अगर जारा का बाबा हसनैन का नाना राजी हो गया तो समझ जाना कैनात का रब भी राजी हो गया है। सारे मिलके कह दो पर ना डो बे ना डो रसूलों से आला हमा नबी और रसूलों से यहूदी तेरे नबी दे आशिक हो गया। ए गल सुन ते दुआ करिए। एक साबी दे कोलों पूछया कौन ने साबी आखन लगा तेनू पता नहीं नबिया दे सरदार ने अल्लाह दे महबूब ने जिदी खातिर सारी कायनात बनी है ए ओ लजपाल नबी है। यहूदी जवान सी कहन लगा किथे बैंदे ने उन्हें आख्या फला मकाम ते बैंदे ने। यहूदी ने दिल नाल वादा कीता पहली नजर च आशिक बन गया हजूर दी महफिल च आके बहन लग पिया। तुसी भी कहो जरा सुभान अल्लाह बड़ी मेहरबानी सरकार दी महफिल च आके बहन लग पिया। कमली आले अपने गुलामां नूं समझांदे ने गल्लां करदे ने साहबा बड़ी मुहब्बत नाल सुनदे ने। यहूदी जवान भी कमली आले दी महफिल च आके बह जाना वे छुप छुप के लुक लुक के छुप छुप के बदोहा दा चेहरा वेखना राना वे ते कमली आले दियां गल्लां सुनदा राना वे। कमली आले दी नजर पैनी ते नजरां झुका लैना वे जदों कमली आले नहीं वेखने ते नौजवान यहूदी कमली आले दा चेहरा वेखना वे ते बाबा गुलाम फरीद कोट मिठण वाले मंजर पे वेखदे सन कलम चुक के कहण लगे मैं वेखा मेरा यार न वेखे। ओए सुनियो सानू अमला ते तां नाज है कोई नहीं अमल साडे इंज ही कमजोर हन। नमाजा विच रियाकारी दिखलावा मसीतां बनाण विच रियाकारी दिखलावा अफतारियां कराण विच रियाकारी दिखलावा ज़कातां देण विच रियाकारी दिखलावा अमला ते तां नाज है कोई नहीं। हां जारा दे बाबा दी गुलामी ते नाज जरूर है। एक ही तो साडे कोल अमल है। बाबा गुलाम फरीद कोट मिठण वाली सरकार बोले ते फरमाया मैं वेखा मेरा यार ना वेखे जे मैं ना वेखा ते तो वेखे एडे चंगे मुकद्दर कितों सोना विच वेखण दे वेखे यार वसदा ओ तेनू एवें पैण भुलेखे
غلام فریدہ اوے بوے یار دے مریے او ویکھے یا نہ ویکھے سرکار دی محفل وچ سرکار نے ویکھ لیا یہودی جوان آ کے ساڈی محفل وچ بہنا چند دن گزرے نا تے تیرے نبی نو جوان نظر نہ آیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے نبی کریم نے فرمایا غلاموں جوان نظر نہیں پہ آنا